हेलो एवरीवन, आज का ये व्लॉग आप लोग देखो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो मैं ये पंचगिनी गया था ना, उसका ये जो पूरा लिंक है वो शायद आप लोगों को ऐसा लगे कुछ तो मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। अभी देखो, ये मैंने जो छुट्टी लिया था वो उसका पहला दिन का ये व्लॉग है। हम लोग गए थे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे को हम लोग रिटर्न आ रहे थे, राइट। तो आप लोग ने ये जो व्लॉग देखा था, जो पहला वाला था पंचगिनी का, वो हमारा मंडे का था। उसके बाद ये वहां पे सेकेंड डे था जो ट्यूसडे का था, और मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे क्या हम लोगों ने किया, क्यों हम लोगों ने एक दिन का रेस्ट लिया। और उसके बाद जो थर्ड डे था, अगर आपने ये लास्ट व्लॉग देखा है तो मैंने बोला है कि भाई हम लोग कल महाबलेश्वर घूमने वाले हैं। तो हम लोग घूमे भी थे, जो हमारा पंचगिनी में थर्ड डे था। पर एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने 50 मिनट का पूरा 50 मिनट का एक व्लॉग बनाया था। 50 नहीं, आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो 48 मिनट 51 सेकेंड का। और ये व्लॉग तो इतना 48 मिनट 51 सेकेंड का बना है, पर ये व्लॉग जो मैंने शूट किया था ना, वो पूरा 1 घंटा 20 मिनट का था। सब काट के वगैरह सब अच्छा करके 48 मिनट 51 सेकेंड का ये व्लॉग बना था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, बेसिक सा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, व्लॉग एडिट करके इसको रेंडर कर दिया। रेंडर का मतलब क्या होता है कि व्लॉग एडिट करके मैंने इसको बाहर निकाल लिया। पर यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हो गया, मैंने ना गलती से वो जो एडिटेड व्लॉग वाला फुटेज था ना, उसको डिलीट कर दिया रॉ फुटेज के साथ। तो मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ, पहले अपने मोबाइल में शूट करता हूँ, फिर मोबाइल से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करता हूँ, फिर लैपटॉप में फोल्डर बनाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो व्लॉग वाले आप लोगों को, ये ना व्लॉग वाला आप लोगों को फोल्डर दिखेगा, उसमें मैं ऐसे ये सारी डे वाइज रखता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने पहले रॉ फुटेज डिलीट की, उसके बाद रॉ फुटेज डिलीट करने के साथ साथ गलती से जो प्रॉपर पूरी एडिटेड फाइल थी वो भी डिलीट कर दी। और आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मेरे को यहाँ पे ये डेटा मिल ही नहीं रहा है। तो जो थर्ड डे का हमारा जो महाबलेश्वर का व्लॉग था, वो पूरा मेरे से गलती से डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया उसको वापस से निकालने का, जो रिसाइकल बिन होता है, जो इसको लैपटॉप में ट्रैश बोलते हैं, मैकबुक में, वहां से भी मैंने डिलीट कर दिया था। और मैंने बहुत ढूंढा, बहुत यूट्यूब किया, बहुत गूगल सर्च किया, एक दो जन से बात की, उन्होंने बोला 20-30 हज़ार रुपया लगेगा ये डेटा रिकवर करने के लिए, पर कोई गारंटी नहीं है। तो मैं वो पैसे देने के लिए भी तैयार था, उन्होंने बोला था 1 हफ्ता आपको लैपटॉप रखना पड़ेगा, बट वो गारंटी नहीं ले रहे थे। तो वो एक चीज का प्रॉब्लम था, फिर मैंने नहीं दिया। तो अभी यही आप लोगों को बताना था कि ये एक बहुत बड़ा मुझे पर्सनल लेवल पे झटका लगा था, क्योंकि मैं ये व्लॉग है ना मेरे खुद के मेमोरीज के लिए बनाता हूँ, और वो व्लॉग तो हमारा पूरा एक दिन का मेमोरी था। तो ठीक है, अभी ये जो आप लोग व्लॉग देखने वाले हो, ये वो व्लॉग है जो हम लोगों का फोर्थ डे है, जो हम वहां से निकल रहे थे। तो अभी आप इससे कंटिन्यू करिए, और बस यही बताना था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है हमारा यहाँ पे फोर्थ डे और हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी आज हम लोग साथ में जा रहे हैं बिकॉज नमस्ते नमस्ते, क्योंकि 9:08 हुए हैं और मार्केट खुलने में अभी भी 5-10 मिनट है। देखो मेरा कोई ट्रेडिंग का कोई ऐसा नहीं होता है, जो अपना पोजिशन है उसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है, टारगेट वगैरह लगाना है, इसलिए आई ऑलवेज वॉच ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो बस अभी पहुँचे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए और थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे। मार्केट अभी ओपन हो गए हैं, यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा है, मैं ज़्यादा देर बनाऊँगा। पर ये देखो अभी मार्केट खुला है ऊपर, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ ऊपर है, और सारे स्टॉक्स भी फ़िलहाल तो ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको हमारा पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। ये देखो बजाज फिनसर्व में अभी भी ठीक है, LTTS ऊपर है, अच्छा लुपिन भी ऊपर हो गया, ये ONGC कल से ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, और ये बजाज फिनसर्व का पुट जो अभी टाइम वेस्ट कर रहा है। और जो अपना पोर्टफोलियो है, अगर अपन उसको देखें तो देखो पोर्टफोलियो अभी 1,25,000 पॉजिटिव है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि वही बात है कि एक दिन मार्केट ख़राब होगा आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा, एक दिन मार्केट अच्छा होगा आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव होगा। बट अगर आपने स्टॉक सही सिलेक्ट किए हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कल जितना मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव था उतना वापस से पॉजिटिव हो गया है,
और फिलहाल तो मार्केट अच्छा ही है। अभी यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाद में मिलता हूँ। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी बज रहे हैं 9:54। अभी हम लोगों का ये प्लान है, आज हमारा चेकआउट है यहाँ से, तो प्लान ये है कि हम लोग मैप्रो जाएंगे, और हमने कल वहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रीम नहीं खाया था या पिया था, क्या बोल सकते हैं उसको, वो करेंगे और फिर यहाँ से मुंबई जाएंगे और देखते हैं वो जो चने वाले का आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ये दिखाया था ना, शॉप दिखाया था ना, वो चने वाले के यहाँ पे जाके देखेंगे, क्योंकि भाविका बोल रही है उसके पास मल्टीपल फ्लेवर्स के चने हैं, तो अगर कुछ घर के लिए लेने होंगे तो ले लेंगे। तो बस यही है आज का प्रोग्राम। अभी भाविका और पहल वहाँ गए हैं और फिर हम लोग वहाँ से कुछ तो देखने गए, वो लोग पता नहीं क्या देखने गए, क्या देखने गए थे, अच्छा ये स्लाइड और ये सब, पर उस पे तो पानी होगा अभी। ठीक है, अभी रूम में जाते हैं, रेडी होते हैं, मतलब मैं तो रेडी हूँ, भाविका और पहल रेडी हो गए, 11 बजे का चेकआउट है और फिर यहाँ से निकलते हैं। आज यहाँ रूम से व्यू एकदम क्लियर दिख रहा है, फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा फॉग आया है, जब भी हम लोग सुबह उठे थे तो अच्छा क्लियर था, और आज धूप भी है थोड़ी, आप लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा दिखता होगा धूप जैसा। 11:10 हो गया है और हम लोग ने अभी हमारे रूम से चेकआउट कर लिया है, अब जाते हैं रिसेप्शन पे और जो भी पेंडिंग बिल है उसको पे करके यहाँ से निकलते हैं। भाविका वहाँ पे रिसेप्शन पे बिलिंग वगैरह कर रही है और यहाँ पे मैंने कार का ये बोनेट ओपन किया है, जो अपना पानी होता है ना वाइपर के लिए वो मैं रिफिल कर देता हूँ, बिकॉज वापस से हम लोगों को दूर जाना है तो कम नहीं होना चाहिए, वैसे खाली हो गया है और गाड़ी भी बहुत गंदी हो गई है, बारिश में गाड़ी गंदी हो जाती है, देखो यहाँ से भी गाड़ी गंदी हुई है और पीछे से तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। अब घर जाके इसको प्रॉपर इसका डीप क्लीनिंग करवाता हूँ और कार वॉश करवा दूंगा अच्छे से। फाइनली अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 11:22 हो गए, अभी यहाँ से पहले हम लोग मैप्रो जाते हैं। आज यहाँ पे क्लाइमेट मतलब अच्छा नहीं बोल सकते, यहाँ पे ऐसे जनरली बारिश ही रहती है कंटिन्यूसली, पर अभी यहाँ पे आज धूप है, अगर हम लोग आज के दिन निकलते तो शायद वो एलिफेंट पॉइंट भी हम लोगों को देखने मिलता। और अभी भाविका ने चेक किया तो कितना दूर बता रहा है एलिफेंट पॉइंट, 19 किलोमीटर, और टाइम 40 मिनट। हाँ तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, फिर हम लोगों को मुंबई भी जल्दी पहुंचना है क्योंकि मुझे कल चेन्नई जाना है और आज शाम को जिनेश भाई भी मिलने वाले हैं, तो फिर ज्यादा लेट नहीं करना है, और पहल की भी स्कूल है कल, तो अभी बस जाते हैं मैप्रो में, वहां से स्ट्रॉबेरी क्रीम खाएंगे और फिर वहां से निकल जाएंगे। पहुंच गए यहाँ पे मैप्रो, आज तो हम लोगों को यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है, वैसे कल भी नहीं जाने का था, अभी जाते हैं यहाँ से सीधा वो रेस्टोरेंट में इनके, एक स्ट्रॉबेरी क्रीम देना, हाँ कितना। हम लोग वहां से निकल गए मैप्रो से, तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि आज अच्छी खासी धूप है और हम लोग यहाँ तक आई है, तो यहाँ से एलिफेंट पॉइंट जाके आते हैं और वो जो एलिफेंट का हेड है वो देख के आते हैं, क्योंकि फिर क्या पता वापस हम लोग यहाँ पे कब आए, अभी आए हैं तो जाके आते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 30 मिनट्स लगेगा, तो 30 मिनट जाने में 30 मिनट आने में 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, आए तो देख के जाते हैं। ये आ गया यहाँ से सारे पॉइंट्स जाने का, यही है ना, यही है, हाँ किड्स पॉइंट वहां लिखा है थर्ड वाला, यहाँ से ही कल हम लोग गए थे। चलो ये वाला जो रास्ता है ना वो थोड़ा खराब है और फॉरेस्ट वाला एरिया है ये। ये आ गया वो गेट जो कल वो भाई ने दिखाया था, हम लोगों को कब से लग रहा था कि क्या पता हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, बट अभी ये गेट देख के पता चल गया कि सही रास्ता ही है। ओ भाई साहब बहुत खड्डे हैं यहाँ पे। 12:22 हो गई है और कार यहाँ पे पार्क कर दिया, अब आ गई ये पॉइंट पे जहाँ पे कल आए थे, होपफुली आज हम लोगों को देखने मिले वो एलिफेंट हेड। आज ये वाटरफॉल भी कितना क्लियर दिख रहा है, ये देखो बहुत डीप है, वो देखो नीचे वाटरफॉल जा रहा है,
ज्यादा आगे फोन लेता नहीं हूँ, मुझे कुछ डर लग रहा है फोन गिर गया तो। यहाँ पे आना फायदे वाला हो गया। अभी जो कल नहीं दिख रहा था वो आज यहाँ पे दिख रहा है, आप देखो। वो रहा वो जो एलिफेंट जैसा आपको फेस दिख रहा है ना, वो है एलिफेंट पॉइंट, और उसके बीच में जो छोटा सा होल दिख रहा है उसको बोलते हैं निडल पॉइंट, और कल हम लोग उसके ऊपर गए थे उसको बोलते कैट्स पॉइंट, कैट्स पॉइंट। तो यही चीज़ है जो हम लोगों को कल देखनी थी। अभी देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे कल वाली फुटेज दिखाऊंगा, कल कैसा था और अभी देखो कैसा है। तो मतलब पूरा फॉग होता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है, पर आज पूरा आसमान खुला है यहाँ पे और सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। अच्छा हुआ यहाँ पे आए तो एकदम क्लियरली वो पॉइंट दिख गया। अभी वापस से थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, बट फिर भी जितनी कल हो रही थी ना उतनी नहीं हो रही है। आज तो ऐसी धूप है कि भावे का को शेड लगाने पड़ रहे हैं। हाँ मतलब बहुत ही अच्छा हुआ हमने यहाँ पे आके, बहुत अच्छा किया। अब यहाँ से निकलते हैं, अभी देखते हैं कि हम लोगों को मुंबई पहुंचने कितना टाइम लगेगा। फिलहाल तो मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे आगे नेटवर्क मिलेगा मैं अपना नेविगेशन लगाता हूँ और फिर चलते हैं। आ गए मेन रोड पे और मैंने ना विंडो खुली ही रखी थी क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी ठंडी हवा आ रही है। ये आ गया वो अपना होटल जहाँ पे हम लोग रुके थे। अभी यहाँ से हम लोगों को दिखा रहा है कि 5 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए, तो अभी 6:10 का टाइम बता रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं रुकेंगे तो फिर 6:10 की जगह पे 7:30 या 8 भी बज सकते हैं। पहुँच गए पंचगनी मार्केट के यहाँ पे, और आज यहाँ पे विसर्जन हो रहा है मेरे ख्याल से, और ये गौरी गणपति हो गए। अभी हम लोग आ गए हैं वो मार्केट में, वहाँ पे कार मैंने पार्क कर दी है भाविका और पहल कार में ही है, पहल को बाहर नहीं आना था। ये जो हम लोग चना जो लास्ट टाइम लिए थे ना यहाँ से वापस से, मैं अपने घर वालों के लिए लेके जा रहा हूँ। ये इतने सारे फ्लेवर्स के यहाँ पे चने रखे हैं, ये अपना नॉर्मल सॉल्टेड वाला है, और फिर ये मसाला छोले, अच्छा ये जैगरी, ये स्वीट होगा जैगरी सॉल्टेड है, फिर ये ग्रीन चटनी, गार्लिक, स्मोकी बारबेक्यू, सेजवान, बहुत सारे फ्लेवर है मैम। वहाँ पे चना टेस्ट करने के लिए है, और यहाँ पे सिंग और मखाना है। हम लोग ने हमारे घर के लिए चने ले लिए है, ऑफिस के लिए भी ले लिया है, अब सिंग टेस्ट करें। मैम ये कौन सा फ्लेवर है? मसाला पीनट क्रंच। ये क्या है मैडम? पेरी पेरी। ये मखाना है। इसको ऊपर कोट लगाया है। ये ग्रीन ग्रीन जहाँ जाएगा तो लेकिन तो मसाला है ना ये? हाँ, मसाला पीनट क्रंची। लेने आए हम लोग सिर्फ चना थे, मखाना भी ले लिया, सिंग भी ले लिया, बहुत अच्छा खासा हमने शॉपिंग कर लिया। कहाँ पे मैडम बिल इसका? वहाँ पे 1:40 हो गया है, और अच्छा खासा हमने शॉपिंग कर लिया। मैंने ऑफिस के लिए भी ले लिया, पहले चना लिया, फिर हम लोग आगे गए तो वहाँ पे सिंग टेस्ट किया, वो भी ले लिया, बहुत अच्छा था। आप लोग भी इसकी वेबसाइट है ना, धनंजय करके है, आप लोग को अगर लेना है तो आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाना और लेना। उन्होंने बोला है कि अगर 800 रुपीज़ से ज़्यादा ऑर्डर होगा ना तो वो लोग डिलीवरी फ्री करते हैं। ये महाबलेश्वर या पंचगनी का ये जो घाट था वो उतर गए थे, और फिर यहाँ पे हम लोगों को ये दिखा भाविका को, तो अभी भाविका गई है। वो देखो ये जो भाविका दिख रही है ना, वो चक्की होता है छोटा सा, ये मतलब उसके अंदर आप राइस या कुछ भी डाल के पीस सकते हो, तो ये उसके शेप मतलब वो तो ऐसे जनरली बड़ा आता है, देखो वो आंटी दिखा रही है, पर ये छोटा वाला है। तो अभी भाविका गई है बात करने के लिए, देखते हैं। चक्की है ना ये छोटा वाला? तो भाई ये तो इधर ही नहीं नहीं बट आउट इट डिसमेंटल था ही सके यार। तो इसमें क्या बना सकते अपन, मतलब कुछ नहीं करते सच्ची में, वो छोटा मोटा अगर ऐसे हाँ, अपने को छोटा मोटा करना है तो कर सकते हैं, ठेचा बना सकते हैं ना। ये भाविका ने ले लिया है, और आई थिंक 400 या 300 में तो लिया है, देखते अभी भाविका आएगी तो प्राइस पूछते हैं। कितने का लिया था ये? 300 रुपए का। ओके Thank you.
लोग अभी थोड़ा आगे ही आए थे और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी जगह पे ना ऐसे ऊस के रस वाले जो ये गन्ने का जूस होता है, गन्ने का रस होता है, वो दिख रहे थे। तो हमने सोचा रुकते हैं और जहाँ रुके वहाँ पे बनाने वाले भाई नहीं है। क्या बोला भाभी का वो मैडम ने? अभी वहाँ पे हमने गन्ने का जूस पी लिया, निकल गए वहाँ से। अब ये हम मेन हाईवे पे कनेक्ट हो गए हैं। अभी हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हम लोग 7 बजे तक पहुँचेंगे। आगे हम लोग एक लंच ब्रेक लेंगे, बट अभी देखते हैं कहाँ करते हैं। अभी तो फिलहाल भूख नहीं लगी है। ऑलमोस्ट 3:10 हुए हैं और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लंच कर लेते हैं। और ये भाविका ने इन लोगों के बोर्ड्स बहुत देखे थे रस्ते में, ये सदगुरु, ये जो अंकल आंटी हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो अभी भाविका मुझे बोल रही है कि यहीं पे खाना खा लेते हैं क्योंकि ये प्योर वेज भी दिख रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ पे खाना खाते हैं। यहाँ पे एक वेट करने का मशीन है, तो अभी पहल को करना है। अभी देखते हैं पहल का वेट कितना है। गो बेटा, पहला ऊपर चढ़ी वेन। हाँ, नाउ डू इट। ये है इन लोगों का मेन्यू। इन लोगों का ये ऐसा थाली भी है, जैसे ये पिटले भाकरी थाली, वेज थाली, सतगुरु स्पेशल थाली, फिर ये स्टार्टर है, और ये इन लोगों का मराठी वेजिटेबल। देखते भाविका और पहल अभी वॉशरूम गए हैं, वो लोग आएंगे फिर कुछ ऑर्डर करते हैं। पीछे भी इन लोग का ऑप्शन है जहाँ पे पंजाबी सब्जी है, और यहाँ पे रोटी में कुलचा भी है, बटर कुलचा, गार्लिक नान, भाकरी है, और आई थिंक यहाँ पे वो राइस वाला भाकरी भी होगा, पूछते हैं। बाकी सब तो ये पंजाबी वाला है। हम लोग ये वाली कोई सब्जी ट्राई करेंगे, महाराष्ट्रीयन वाली। ये लोग कौन है? ब्रांड एम्बेसिडर, कोई मराठी एक्टर है क्या? अच्छा, ये आ गया हमारा खाना। हमने मटकी मसाला मंगाया था, ये रोटी, और भाविका ने भाकरी मंगाया है। खाना खा लिया हम लोग ने। हमने फिर राइस भी मंगाया था, एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी छोटी वाली। 456 रुपीस बिल हुआ है। मैं अभी ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि यहाँ पे है ना, एक भी गुजराती फैमिली नहीं रुका है, जितने भी थे मोस्टली महाराष्ट्रीयन ही थे। और भाविका बोल रही थी कि ये शायद ये लोग ओनर हो गए, पर ये लोग तो कोई मराठी एक्टर है, ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा बोला। ठीक है, बट खाना बहुत अच्छा था। अगर आप लोग भी ये हाईवे पे हो और ये अंकल आंटी का आपको फोटो दिखता है, तो ये रेस्टोरेंट में आप लोग रुक सकते हो, खाना अच्छा था। और अभी हम मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोग 8 बजे के आसपास पहुँचेंगे। अभी भी 194 किलोमीटर है। होपफुली अभी हम लोग कोई ब्रेक नहीं लेंगे, वॉशरूम जाना होगा उसके अलावा। देखते आगे क्या है। हम लोग पहुंच गए पूना के पास, और पूना आते ही पूना की ट्रैफिक ने हमारा वेलकम किया है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मिनट का जाम है, और उसके बाद हम लोगों को मिलेगा आगे एक्सप्रेस हाईवे। आ गए हैं अभी हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंबई 131, और अभी तो 8:16 के टाइम पे हम लोग पहुंचेंगे। एक चाय ब्रेक करेंगे शायद आगे, देखते कहाँ करते हैं। फिलहाल जितना हो सके उतना कवर करते हैं। ये आ गया लोनावला का एग्जिट, और हम लोग सीधा जा रहे हैं, सीधा एक्सप्रेस हाईवे से मुंबई। यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, पर फिर लोनावला के अंदर से जाना पड़ेगा, और लोनावला में कुछ काम तो है नहीं, तो सीधा निकल जाते हैं मुंबई की तरफ। ये फूड कोर्ट आया है, यहाँ पे रुकते हैं, चाय और पीपी ब्रेक करते हैं। जो फूड कोर्ट आपको बताया ना, वो फूड कोर्ट पे हम लोग नहीं रुके हैं, हम लोग आगे वाले फूड कोर्ट पे रुके। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है और वो छोटा था। तो अभी यहाँ पे भाविका को कॉफी पहनी है, और मुझे भी वॉशरूम जाना था, उसे भी वॉशरूम जाना था। मैं चाय पीऊँगा और फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी बज रहे हैं 6:32,
अभी दिखा रहा था कार में 8:20 को हम लोग घर पहुंचेंगे, पर अगर यहाँ पे 10-15 मिनट रुकेंगे तो शायद 9:30 बज सकते हैं। हम लोग आ गए कार में, मैंने चाय ली थी वाघ बकरी की। अभी आप लोगों को मेरा पोजीशन बता देता हूँ, अभी 6:51 हो रहे हैं। इक्विटी का फाइनल M2M हुआ वो बना हमारा 89,000 का, मार्केट में बहुत ऊपर नीचे हुआ और फिर भी 89,000 तक का हुआ। और ये जो FNO का पोजीशन है उसमें बजाज फिनसर्व 1,05,000 के आसपास ही बंद हुआ, LTTS भी थोड़ा ऊपर बंद हुआ, लुपिन भी थोड़ा ऊपर बंद हुआ और फाइनली ONGC अपने स्टॉप लॉस से बच गया। इसका स्टॉप लॉस 280 था पर ये आज इसने कुछ लो मारा है 287 का और आज इसने थोड़ा सा रिकवरी दिखाया। मेरा ध्यान तो था नहीं मार्केट में फिर भी, और ये बजाज फिनसर्व का पुट तो वैसे का वैसा ही है। तो ओवरऑल पोजीशन में कुछ खास नहीं हुआ, मार्केट ओवरऑल ऊपर ही था, सब कुछ सही है। अभी हम लोग यहाँ से 6:52 हो रहे हैं, 6:52, 6:53 अभी यहाँ से निकलेंगे। अभी तो कोई ब्रेक नहीं करेंगे, अगर कोई ट्रैफिक में कुछ हो गया तो अलग बात है। बाकी आज यहाँ पे मुंबई में जिनेश भाई आने वाले हैं और मैं और जिनेश भाई कल चेन्नई जाने वाले हैं तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन मीट में, वो जो TIA होता है हर साल उन लोगों का, उसमें जाने वाले हैं। तो वो मैं आप लोगों को अलग ब्लॉक में दिखाऊंगा। चलो फिलहाल अभी अपन यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं बैठा हूँ टर्मिनल 1 पे। अभी आप सोचोगे कि विजय भाई कहाँ पे, आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे थे और कहाँ पे, टर्मिनल 1 पे आ गए। तो कल रात को पहुँचते पहुँचते हम लोगों को हो गया लेट, थोड़ा ट्रैफिक मिला BKC के पास, तो 9 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे और 9 बजे के आसपास जिनेश भाई भी हमारे घर आ गए थे। अभी मैं और जिनेश भाई जा रहे हैं चेन्नई, एंड चेन्नई क्यों जा रहे हैं, क्या है, ये आप लोगों को आगे वाले व्लॉग में पता चलेगा। अभी बस यही, मतलब मैंने सोचा कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और कुछ है तो आप लोगों के लिए व्लॉग बना देता हूँ, और मेरे लिए भी वो याद रहता है। क्या होता है ना कि ये व्लॉग के हिसाब से, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग कैसे फ़ोटो खींच के रखते हैं, तो मेरे लिए ये व्लॉग मेरी मेमोरी हो जाता है। तो बस ये था हमारा आज का ये व्लॉग। आज के व्लॉग में कुछ खास नहीं था, हम लोग पंचगिनी से मुंबई की तरफ आ रहे थे तो मैंने आप लोगों को वो दिखा दिया। अगर आप लोगों को आज का ये हमारा व्लॉग पसंद आया तो आप हमारे व्लॉग को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे ये चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।